देहरादून अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हेली सेवा आज शुरू हो गई। पवन हंस की 7 सीटर ये हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी पंतनगर अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़ तक चलेगी। फिलहाल इसका संचालन सप्ताह में एक दिन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हेली सेवा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हेली सेवा उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में संचालित हेली सेवाओं से लोगों को आवागमन की सुविधा बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। सरकार का प्रयास है कि यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन के लिए हर प्रकार की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में एयर कनेक्टिविटी को और विस्तार दिया जा रहा है। अल्मोड़ा भी चूंकि इसमें जोड़ना था, पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था, अब इस सेवा को देहरादून पंतनगर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये सेवा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जहां लोगों को कई घंटों लग जाते हैं इस सफ़र में, यहां ये सेवा शुरू होने से एक घंटे में पिथौरागढ़ अल्मोड़ा पंतनगर जैसी दूरियों की दूर वाली जगह पर भी आसानी से की जाएगी और लोगों का जो सफ़र है वो आसान होगा। ये उड़ान सेवा में हमने और भी नए रूट फाइंड आउट किए हैं, नए हेलीपोर्ट्स बने हैं, उनको जल्दी ही चालू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पवन हंस के अधिकारियों को देहरादून पिथौरागढ़ हेली सेवा को सप्ताह में 3 दिन करने और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा। वहीं पहली फ्लाइट के यात्रियों में हेली सेवा को लेकर काफी उत्साह देखा गया। काफी अच्छा लग रहा है और एज अ फर्स्ट पैसेंजर हम लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है और एक ये काफी अच्छी सुविधा है लोकल्स के लिए भी, तो एज अ पैसेंजर फर्स्ट पैसेंजर काफी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ पवन हंस के साथ और ये उड़ान स्कीम उत्तराखंड की तरफ से है तो बहुत अच्छी स्कीम है उत्तराखंड वालों के लिए।